जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया गया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे किसी के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम की बात है दोस्तों, और किसी के लिए यहाँ पे महा खुशखबरी है। अब देखिए किसके लिए प्रॉब्लम है, किसके लिए खुशखबरी है, सारी जानकारी दोस्तों इसी वीडियो में हम आपको कंप्लीट देने वाले हैं। तो देखिए किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए आपको कंप्लीट वीडियो देखना है, स्किप नहीं करना है। चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे किसान कर्ज माफ़ी की। दोस्तों किसान कर्ज माफ़ी में यहाँ पे आवेदन में कुछ बदलाव किया गया है, जो कि प्रॉब्लम्स यहाँ पे किसान भाई दिखा रहे थे दोस्तों, तो उस पर सरकार ने ध्यान देते हुए कुछ यहाँ पे चेंजिंग की हैं। क्या चेंजिंग की है कंप्लीट बताएंगे देन दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पे मिलने लगी फ्री स्कूटी, जिनको नहीं मिली है वो ऐसे ले सकते हैं, सारी प्रक्रिया हम यहाँ पे समझाएंगे। और दोस्तों बेरोजगारी भत्ता यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी लोग बेरोजगारी भत्ता ले चुके हैं, और जिनको नहीं मिला है उनके लिए हम बताएंगे वो कैसे लेंगे, और जिनको मिल गया है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि बाकी लोग देख सकें, उनसे अपनी डिस्कस कर सकें और उनसे सुझाव लेके खुद भी अपना लाभ उठा सकें। बाकी सारी कंप्लीट जानकारी हम इसी वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे किसान कर्ज माफ़ी में जो आवेदन प्रक्रिया दोस्तों, कुछ उसमें थोड़ी सी चेंजिंग देखने को मिली है, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कुछ भी नहीं है, हम इतनी सरल प्रोसेस और सरल तरीके से दोस्तों आपको जानकारी देंगे, जिससे कि आपकी सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों आपको वीडियो कंप्लीट देखना है, क्योंकि एक भी स्टेप यदि आप मिस कर दोगे तो आपको यहाँ योजनाओं का लाभ मिलना असंभव हो जाएगा, और आप कहेंगे कि योजनाएं नहीं चला रही सरकार, योजनाएं काफ़ी चला रही है, बस आपको सही तरीके से यहाँ पे आवेदन अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, सबसे पहले किसान कर्ज माफ़ी, जिनका भी कर्ज माफ नहीं हुआ है दोस्तों, और यहाँ पे काफ़ी लोगों ने प्रॉब्लम अपनी दर्ज की थी कि ये जो CSC सेंटर वाले हैं ये आवेदन करके नहीं दे रहे हैं उनका, और देखिए हमारे चैनल के थ्रू जिन्होंने भी आवेदन करवाया था, हम उन सभी का आवेदन दोस्तों डेली के डेली कम्प्लीट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, किसान कर्ज माफ़ी में दोस्तों ये बड़ा अपडेट निकल के आया है। जैसा कि पहले आपको यहाँ CSC सेंटर पे आवेदन करना होता था, तो यहाँ पे अब CSC सेंटर को हटा दिया गया है दोस्तों। कहाँ पे आवेदन करना है ये भी हम आपको बताएंगे, और क्या कागजी प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, ये भी हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। जिनका भी दोस्तों यहाँ कर्ज माफ नहीं हुआ अभी तक, उनके पास कोई भी सूचना नहीं आई है, तो उनके लिए हम कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए किसान कर्ज माफ के लिए सबसे पहले दोस्तों जो नए लोग आए हैं उनके लिए मैं यहाँ पे 10 सेकंड में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा, बाकी जो हमारे परमानेंट व्यूअर सब्सक्राइबर्स हैं वो सभी जानते ही होंगे। देखिए सबसे पहले क्या है कि आपके पास यहाँ पे आधार कार्ड होना चाहिए, देन दोस्तों उसके बाद यहाँ पे वोटर कार्ड नहीं है तो कोई भी आपका आइडेंटिटी कार्ड चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए क्या था दोस्तों, उसके बाद में आपकी खतौनी लग रही थी, ठीक है, खतौनी और एक पासपोर्ट साइज फोटो। तो यहाँ पे आपको CSC सेंटर पे जाके दोस्तों अपना आय प्रमाण पत्र और उसमें ऐड करके आवेदन कर देना था। तो यहाँ पे क्या है कि अब थोड़ी सी चेंजिंग की गई है, यहाँ पे दोस्तों सिर्फ आपका आधार कार्ड और आपके यहाँ पे वोटर कार्ड और आपके पास पैन कार्ड है तो वो भी लगेगा, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, और आपकी खतौनी की फोटोकॉपी लेके आपको अपने नज़दीकी बैंक में जाना है दोस्तों, और बैंक से यहाँ पे आवेदन आपको कर देना है। जो लोग भी आवेदन अभी तक नहीं कर पाए हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों योजनाओं का लाभ सबसे पहले उठाने के लिए अपना नाम बताएं हमें, और किस शहर किस जिले में रहते हैं दोस्तों ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है, जिससे कि हम आपकी जानकारी को आगे बढ़ा सकें। और हमसे दोस्तों सहमति दर्ज करने के लिए, हमें अपनी अनुमति देने के लिए कि योजना आपको पसंद है दोस्तों, योजना आपको पसंद है और आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो सभी किसान भाइयों को यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने ज़िले, अपने राज्य का नाम देना है हमें। और देखिए वीडियो को लाइक करके, आपको यह योजना पसंद है इसलिए वीडियो को लाइक करिए और हमें यह अनुमति दीजिए कि हम आपकी लिस्ट को आगे बढ़ा सकें। तो ये हो गया दोस्तों किसान कर्ज माफी से रिलेटेड जो अपडेट निकल के आई थी वो कंप्लीट हम आपको बता चुके हैं। फिर भी आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछिएगा, हम दोस्तों तुरंत वहां पर रिप्लाई देंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सारे क्वेश्चंस का आंसर आपके लिए लेके आएंगे। अब देखिए बात करेंगे यहाँ पे मिलने लगी फ्री स्कूटी, तो यहाँ पे फ्री स्कूटी मिलने लगी है, किनको मिलने लगी है, किनको नहीं मिली है, वो भी कंप्लीट चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों जिन भी गर्ल्स को, लड़कियों को, बहनों को, बेटियों को स्कूटी नहीं मिली है उनके लिए यहाँ पे क्या प्रोसेस है, उन्होंने ऐसी क्या मिस्टेक की है, या उनका नाम अभी आने वाला है, तो इसके बारे में हम यहाँ से कंप्लीट चर्चा आपसे करेंगे। तो स्कूटी की जो प्रोसेस हमने बताई थी देखिए वो ये थी कि सबसे पहले तो गर्ल्स की जो आवेदन करता है उनकी यहाँ पे उम्र 18 साल होनी चाहिए, उसके बाद देखिए उसके पास वहाँ पे आधार कार्ड होना चाहिए था, आधार कार्ड के बाद आपके पास वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपके पास अपने स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का दोस्तों आइडेंटिटी
आइडेंटिटी कार्ड होना था, उतने सारे डॉक्यूमेंट, आप किस क्लास में पढ़ रहे हो उसकी भी दोस्तों फोटो कॉपी आपको वहाँ पे स्कैन करके लगवा देनी थी। तो देखिए क्या करना था, यहाँ पे सीएससी सेंटर पे जाके आवेदन करना था उनको। अब जिन्होंने भी सीएससी सेंटर पे आवेदन नहीं किया है वो तो वही जानते होंगे, लेकिन जिन्होंने अपना नाम हमें कमेंट बॉक्स में भेजा था और दोस्तों यहाँ पे हमें परमिशन दी थी अपनी, हमने उनकी लिस्ट आगे बढ़ा दी और उनमें से काफ़ी लोगों को स्कूटी मिल भी गई है। जिनको मिल गई है नीचे कमेंट बॉक्स में बताया, जिनको नहीं मिली है दोस्तों वो है यहाँ से आवेदन करें। बेशक आपने सीएससी सेंटर से आवेदन कर दिया हो लेकिन यहाँ भी अपना नाम हमें दें और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं, और अपने घर से दोस्तों जिनकी भी पढ़ने जाने की जो रेंज 5 किलोमीटर थी दोस्तों उनको यहाँ पे अवेलेबल कराई गई है। तो आपको अपना नाम और देखिए अपने स्कूल का नाम जरूर देना है, जिससे कि वहाँ से पूरा आपका डाटा चेक किया जा सके कि आप कहाँ से पढ़ने आ रहे हो, कितने किलोमीटर दूर से पढ़ने आ रहे हो। दोस्तों ये पूरी प्रक्रिया वो लोग खुद ही देख लेते हैं, ठीक है। जैसे आपका नाम और अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और हमको ये परमिशन देनी है कि दोस्तों हम आपकी जानकारी को आगे बढ़ा सकें। तो देखिए जिन लोगों को भी यहाँ पे स्कूटी मिल गई है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि बाकी लोग मोटिवेट हो सकें और दोस्तों यहाँ पे वो भी अपना आवेदन कर सकें, जिससे कि वो सुविधाओं का लाभ मिले उनको सबसे पहले। देखिए अब बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट जानकारी की, जो है आपका बेरोजगारी भत्ता प्रक्रिया। अब देखिए बेरोजगारी भत्ता प्रक्रिया यहाँ पे मिलने लगा है दोस्तों बेरोजगारी भत्ता, और कितना मिलने लगा है दोस्तों 3500 रुपये से, 3500 रुपये से लेकर यहाँ पे ये आपको मिलने लगा है 6000 रुपये तक। अब देखिए किन लोगों को मिला है किनको नहीं मिला है, जिन्होंने अपने आवेदन कर दिए थे उनको यहाँ पे मिलने लगा है, और जिन्होंने आवेदन प्रोसेस में थोड़ी बहुत चूक कर दी थी उनको यहाँ पे नहीं मिला है, ठीक है। और जो दोस्तों रह गए हैं काफ़ी लोग जिनका आवेदन अच्छी तरह से हुआ था उनका कुछ ही दिन में बेरोजगारी भत्ता जो है आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा ये कंप्लीट जानकारी हम यहाँ पे आपको देने वाले हैं। देखिए बेरोजगारी भत्ता में दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना था, आपके पास आधार कार्ड तो नेसेसरी है कोई भी योजना हो, ठीक है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड या आपका दोस्तों स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी का पहचान पत्र आइडेंटिटी कार्ड वो भी यहाँ पे चलता था, और आपके घर का दोस्तों आपके पिताजी का आय प्रमाण पत्र, आपके फैमिली की इनकम कितनी है ये चीज़ भी यहाँ पे देखने के लिए आय प्रमाण पत्र मांगा था, और दोस्तों आपने कितनी पढ़ाई लिखाई कर रखी है वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे मांगे थे। मान लीजिए आपने डिग्री, डिप्लोमा, 8वीं 10वीं 12वीं यहाँ पे सब 3500 रुपये से लेके, और देखिए यहाँ पे 6000 रुपये तक बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा था। तो यहाँ पे 8वीं से स्टार्ट करके दोस्तों आपकी एज यहाँ पे भी 18 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए, तो 8वीं से स्टार्ट करके 8वीं 10वीं 12वीं और देखिए डिग्री डिप्लोमा जो भी आपके पास है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सभी के लिए यहाँ पे बेरोजगारी भत्ता था दोस्तों उनकी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से। अब देखिए जिनको नहीं मिला है उनको क्या करना है, उनको दोस्तों यहाँ पे सीएससी सेंटर पे जाके अपना आवेदन चेक करा लेना है कि अच्छी तरह से आवेदन हुआ है या नहीं हुआ है। और दोस्तों जिन्होंने हमें अपना नाम नहीं दिया है, हम यहाँ पे लाखों लोगों को दोस्तों फायदा दिलवा रहे हैं, लेकिन यदि आपको फायदा अभी तक नहीं मिला है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम हमें जरूर दें दोस्तों, और साथ ही आपने कितनी पढ़ाई लिखाई कर रखी है, आपकी लास्ट डिग्री क्या है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे कि आपको योजनाओं का लाभ हम दोस्तों यहाँ पे दिलवा सकें सबसे पहले। और वीडियो को लाइक करके अपनी परमिशन दें कि आपको यह योजना पसंद है, यदि योजना पसंद है और आप फायदा लेने चाहते हो तो हमें यहाँ बताएं कि योजना पसंद है, वीडियो को लाइक करें, हमें यह परमिशन दें कि हम आपकी लिस्ट को आगे बढ़ा सकें। अब देखिए अब क्या करना है आपको, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल है सभी लोगों के लिए, सिर्फ अपना नाम देना है और अपनी पढ़ाई लिखाई बतानी है लास्ट वाली डिग्री बेरोजगारी भत्ता के लिए। स्कूटी के लिए भी दोस्तों हम यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस बता चुके हैं, किसान भाइयों के लिए भी बता चुके हैं। अब देखिए जिनके पास आवास नहीं है रहने को वह भी यहाँ पे अपना आवेदन जरूर करें और सीएससी सेंटर से जाके भी आवेदन करें। आवास के लिए दोस्तों हमने यहाँ सेपरेट वीडियो बना रखी है, चैनल पे जाके आप विजिट करके चेक कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम वहाँ पे लिंक भी दे देंगे आपको। अब देखिए अब क्या करना है दोस्तों आपको, सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखिए अपने नाम की, अपने स्कूल की, अपनी जो हमने चीज़ें मांगी उनकी जो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, यदि आप इंग्लिश में दे रहे हो तो, यदि आप हिंदी में दे रहे हो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम यहाँ होने वाली है ही नहीं, लेकिन जो भी लोग अपना नाम जो है इंग्लिश में लिख के दे रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, वहाँ स्पेलिंग अच्छे से चेक कर लें, जो आपके डॉक्यूमेंट्स में वही होनी चाहिए, वरना डिफरेंट हो जाता है तो फिर यहाँ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और आपको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को यही देना है कि नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का, अपने जिले का, अपनी पढ़ाई लिखाई, और स्कूटी के लिए दोस्तों अपने स्कूल कॉलेज का नाम देना है, जिससे कि योजनाओं का लाभ आपको मिल सके। और दोस्तों यहाँ पे वीडियो को लाइक जरूर करना है, जिससे कि हम आपकी जानकारी को आगे बढ़ा दें। बता दें हम ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने सिर्फ उन्हीं लोगों की जानकारी आगे बढ़ाई है जिन्होंने हमें यहाँ अपनी परमिशन दर्ज की है दोस्तों, और जिनको भी योजनाओं का लाभ मिला है नीचे दोस्तों जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में
यहाँ से आपको लाखों लोगों को लाभ मिल चुका है, जैसा कि हमारे मेल आईडी पे भी काफ़ी सारे आपके जो है कॉन्ग्रेचुलेशंस और ये सब धन्यवाद के लिए आते हैं। तो दोस्तों इसके लिए कुछ भी नहीं है, हम तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, आप भी अपना काम करिए। ये बिल्कुल फ्री होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, सारी सूचनाएँ दोस्तों जनहित में जा रही हैं, ये सिर्फ समाज सेवा के लिए है और कुछ नहीं है। तो देखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी जानकारी, किसी अच्छी अपडेट और किसी अच्छी योजना के साथ दोस्तों। तब तक के लिए यहाँ पे अपना ख्याल रखिए और यहाँ पे परमिशन देते रहिए हमको, जिससे कि हम आपको योजनाओं का लाभ दिलवा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और देखिए जिन्होंने भी यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहने के लिए, सभी अपडेट लेने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।